ये हम भी डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका सबसे फर्स्ट मेथड है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एज पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अगर आपका प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, या आपके प्राइसेस कम हो रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, यानी इनवर्स रिलेशनशिप मिले, ये भी देख लेना। ऐसे भी आ सकता है स्टेटमेंट में, एज पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इफ देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो कौन सा आपका स्टेटमेंट में आए तो आप क्या लिखोगे, ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा अगर इनवर्स रिलेशनशिप मिले। अगर प्राइसेस बढ़ने और घटने से आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता तो आपका ईडी होगा वन, और अगर आपके प्राइसेस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइसेस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो आपका ईडी हो जाएगा लेस देन। ठीक है, दो बातें समझ में आई आपको। ये जो मेथड कहता है कि भाई आपका प्राइसेस के साथ अगर पॉजिटिव है, प्राइसेस के साथ पॉजिटिव तो लेस देन वन, प्राइस के साथ नेगेटिव है तो ग्रेटर देन वन, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो यूनिट। ठीक है, तो ये था भाई आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। दूसरा आया आपका टोटल रिवेन्यू मेथड। टोटल जो रिवेन्यू मेथड है ना आपका, जैसे आपका एक्सपेंडिचर मेथड है बिल्कुल आपका इसी तरीके से आपका काम करेगा। तो क्या बताता है आपका टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पर देखा आपने सेम एज इट इज आपका उसमें एग्जाम में आता है, एक टेबल आती है बिल्कुल डायरेक्ट बनी आती है। ठीक है, टोटल रिवेन्यू मेथड ऐसा ही रिलेशनशिप होता है जैसे आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का होता है, और देखो किस तरीके से आपका बन के आता है। एक टेबल बनाइए आप जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हो इलास्टिसिटी कोफिशियंट या ईडी। ठीक है, ये टेबल बनाइए आप, आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है AR इज इक्वल टू AR माइनस MR, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन एक बार ये बनाइए, टेबल बहुत ज़रूरी है। ईडी आपकी, ईडी मतलब ई, अगर आपकी जीरो है, इलास्टिसिटी आपकी जीरो, कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, और यहाँ पर चेंज इन रेवेन्यू। जैसे टोटल एक्सपेंडिचर था ना, ऐसे ही चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। सबसे पहले ईडी आपकी जीरो है, अगर प्राइस इज इंक्रीज होने से टोटल रिवेन्यू, देखो एक्सपेंडिचर में क्या हुआ था, इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डिक्रीज हुआ था ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर ईडी, अगर आप जीरो की बात कर रहे हैं, हम जीरो मतलब बिल्कुल पॉइंटों पे, मतलब वो इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपके प्राइसेस इंक्रीज होने से टोटल रिवेन्यू भी इंक्रीज हो जाए तो आपकी ईडी वो जो इलास्टिसिटी होगी वो होगी जीरो। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अगर प्राइसेस डिक्रीज होने से टोटल रिवेन्यू भी डिक्रीज हो जाए तो भी आपकी इलास्टिसिटी होगी जीरो। पांचों मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर, पहला आप समझिए। दूसरा आपके पास है ईडी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ग्रेटर देन वन आपका कब होगा, ग्रेटर देन वन तब होगा आपका अगर प्राइसेस आपके इंक्रीज हो जाए टोटल रिवेन्यू आपके डिक्रीज हो जाए, यानी इनवर्स रिलेशनशिप मिल जाए, और यहाँ पर आपके प्राइस डिक्रीज हो जाए और वहाँ पर आपका टोटल रिवेन्यू बढ़ जाए, तब आपका गेट ईडी ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास ई इक्वल टू वन, जैसे वहाँ पे था सेम एज इट इज, यहाँ पर वन का मतलब क्या था, आपके प्राइस बढ़ जाए तो वहाँ पर क्या चेंज आया था, नो चेंज। यहाँ पर भी आपका अगर डिक्रीज हो जाए तो भी क्या आएगा, नो चेंज। तीन केस समझ में आए आपको। एक आया आपका ईडी लेस देन वन, ये कब होगा, ये सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट था आपका, ये वाला है ना, आप इसको ना ऐसे लिख लो,
इसको इसके साथ इस टेबल को ना एज इट इज उठ के आती है पहली बात तो, ये टेबल बिल्कुल ऐसे कॉपी पेस्ट होके आएगी, इसलिए मैं इसको उसके साथ नहीं लिखवा रहा। ये रिलेशनशिप है ना सेम ऐसे ही आपका ई लेस देन वन का होगा, अगर आपका ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा इंक्रीज, और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी आपका डिक्रीज। ठीक है, लास्ट वन आया ई जो है आपका वो कब इन्फिनिटी तक होगा, कब आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, अगर आपका ये इंक्रीज हो जाए, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज, कहाँ तक टू जीरो, जीरो तक ले आएगा आपको। ठीक है, और आपका ये डिक्रीज हो जाए तो ये इंक्रीज कहाँ तक हो जाएगा इंक्रीज टू इन्फिनिटी। ये टेबल बिल्कुल एज इट इज कॉपी होगी, वहाँ पेस्ट होगी, एक चीज एरर करके मिलेगी। जैसे आपका क्या एरर मिलेगी मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ई डी जीरो है ना और ई डी लेस देन वन है, दोनों में सेम रिलेशनशिप दिख रहा है, और बच्चे ना इसको अलग अलग करके आ जाते हैं जो एरर होती है, लेकिन ये टेबल बहुत बार आपका एग्जाम में आपने की होगी सोल्व तो वहाँ दिखी होगी, देखी है ना पेपर किया आपने पिछले, स्टेटमेंट्स भी बन सकती है सब कुछ, बेसिकली आपको ना हर तरीके से पता होना चाहिए। अब पहले की तरह नहीं कि डेटा ऐसे मिल जाए, अब इसको स्टेटमेंट्स भी आ सकती है। इफ़ देर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप तो या तो आइधर क्या होगी जीरो होगी या आपकी लेस देन वन होगी। ठीक बात है ना ये है, हाँ बोथ भी आ सकती है, बोथ में तो ये है ना डिग्री पे डिपेंड करेगा, डिग्री क्या है नहीं आई समझ में, हाँ बोथ नहीं आ सकता, एक साथ दो, एक दो एक एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती, एक साथ दोनों थोड़ी होगी, या लेकिन तभी तो मैंने आइधर लिखा है ना, या तो वो जीरो पे होगी या फिर आपका क्या होगी वो मतलब लेस देन वन होगी, तो जीरो और उसमें फर्क है भाई दोनों डिग्री में। ऐसे तो इन्फिनिटी का भी देखो ना, इन्फिनिटी और लेस देन ये वाली है, ये चीज़ें है इन्वर्स रिलेशनशिप है, लेकिन चेंज है ना कहीं प्राइसेस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आया ना, मतलब प्राइसेस बढ़ गई थोड़ी सी भी तो जीरो पे ले आएगी आपको, जैसे उसमें दिखाया है, हाँ और प्राइसेस आपके अगर थोड़ा सा भी कम हो गया तो इन्फिनिटी तक डिमांड बढ़ जाएगी आपकी टोटल रिवेन्यू मेथड में। आई बात समझ में, तो ये पाँच डिग्री समझ में आई आपको, पहली चीज़ तो ये समझिए इसमें। दूसरी चीज़ जो इसमें समझने की है वो है इसका जो फॉर्मूला था आपने अभी पढ़ा है, एज पर रिवेन्यू मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू डिवाइड में एवरेज रिवेन्यू माइनस में मार्जिनल रिवेन्यू। सभी को अच्छे से क्लियर है एवरेज रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल रिवेन्यू डिवाइड में कितनी क्वांटिटी आपने सोल्ड की है। ठीक है, एवरेज निकालना है, पर यूनिट आपका कितना रिवेन्यू आया है। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, हर एक एडिशनल यूनिट का, यही बात है ना। ठीक है, मेरे को बताओ टोटल रिवेन्यू जो आ रहा है वो आपकी 10 यूनिट का आ रहा है 100 रुपये, और टोटल रिवेन्यू आपका आ रहा है 8 यूनिट का 40 रुपये, तो ये जो 60 रुपये है ये क्या हो गया आपका मार्जिनल रिवेन्यू, ये क्या हो गया आपका मार्जिनल रिवेन्यू है ना। ठीक है, वेरी गुड, ये क्या है आपका डिफरेंशियल रिवेन्यू। मार्जिनल हमेशा एक का लेके चलेगा, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, 10 है ना तो यहाँ 9 मिलेगा आपको वन एडिशनल का, तो ये तो हुआ डिफरेंशियल रिवेन्यू। हम यहाँ लिखेंगे टोटल रिवेन्यू ऑफ 10 माइनस में टोटल रिवेन्यू ऑफ 9, यहाँ पर मैंने लिखा 100 और यहाँ पर आपने लिख दिया 60, तो यहाँ पर जो 40 रुपये आए हैं ये आपके क्या होगा मार्जिनल रिवेन्यू, और ये क्या होगा आपका डिफरेंशियल। देखो मार्जिनल हमेशा एक का बताएगा एडिशनल का, जैसे 9 से 10 पे, 10 से 11 पे, 11 से 12 पे वन एडिशनल का। अब जैसे आपकी पूरी क्लास है आप में एक एक ऐड करते गए ना तो वन एडिशन होगा आपका, वो मार्जिनल है। मार्जिनल का मतलब ही सिंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा 10, और 10 में से अगर मैं 8 लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ, 11 नहीं लिख सकता, या मैं 9 लिखता हूँ, उनको छोड़ दो 11 और 9 को, इसके अलावा मैं कुछ भी लिखूँ सब कुछ डिफरेंशियल, डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट की बात हो रही है यहाँ पर। 10 और 8 दो अलग आ गए ना, 1 से ज़्यादा आ गया ना, 1 एडिशनल है तो मार्जिनल होगा,
वन एडिशनल, सुन रहे हो, 9, 10, 11 इस तरीके से, इससे ज्यादा आया तो डिफरेंशियल बन जाएगा। मैं लिखा 10 में से 8 गए, 2 आ गया, 1 आना चाहिए था बस, 8 में से 7 गया, 1 आ गया, मार्जिनल हो गया। आई समझ में? मार्जिनल और डिफरेंशियल में डिफरेंस भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका हुआ 60, एवरेज आपका डिवाइड करके निकल जाता है, और इसका फॉर्मूला भी तो ऐसे ही बनता है ना, मतलब एवरेज ये निकालना आपने, मार्जिनल रिवेन्यू, तो ऐसे बनेगा, ऐसे लिखते हैं ना, टोटल रिवेन्यू एन माइनस में टोटल रिवेन्यू एन माइनस वन, इसलिए तो माइनस वन किया है ना, एक पीछे की तरफ देखो बस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है भाई इसका, जो आपने आपके सामने लिखा हुआ है, एडी एआर माइनस में एआर डिवाइड में एआर माइनस में एमआर, ठीक है। अब आगे देखिए, यहीं से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मैंने बाद में ऑब्जर्व किया कि इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट्स में भी आ रखे हैं और डायरेक्ट भी आ रखे हैं फॉर्मूला में, देखो कैसे, इसी से आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए क्या एआर और एमआर, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, इलास्टिसिटी की हेल्प से क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, कैसे, यहां बना आपका एआर इज इक्वल टू ईडी एआर माइनस में, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ईडी, पहला स्टेप क्लियर हो गया आपको, एआर इज इक्वल टू ईडी एआर माइनस में ईडी एमआर। अब देखो इधर ए आर है, इधर भी आ रहा है, तो ए आर को इधर ले आओ, तो इधर क्या बन जाएगा, ए आर माइनस में ई डी ए आर इज इक्वल टू, ये क्या बन गया आपका, माइनस का ई डी एम आर बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ए आर को आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, ए आर माइनस को चलो ऐसे कर लेते हैं, माइनस माइनस ऐसे कर, मजाक कर रहा हूँ मैं, एक बार इसको ऐसे रख लेते हैं, इसको इधर ले आए क्या, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो ई डी माइनस में वन, और इसको ना माइनस खत्म कर दो, ई डी एम आर, हमने क्या कर दिया, माइनस को खत्म ही कर लिया, इधर इसको माइनस में ले आए, ठीक है। क्या बना आपका, ए आर माइनस ई डी ए आर इज इक्वल टू ई डी एम आर बना, उसके बाद आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया ए आर ई डी माइनस वन और इक्वल टू ई डी एम आर, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको निकालना हो क्या एम आर, ए आर या एम आर दोनों ही निकाल सकते हो, चलो पहले ए आर निकालो, अगर ए आर निकालना तो ये सिर्फ बिल्कुल ऐसे एज इट इज ई डी एम आर डिवाइड में ई डी माइनस में वन निकल गया, और आपको यहीं से आपको एम आर निकालना हो तो ये एम आर को ऐसे रख लो ए आर ई डी माइनस वन डिवाइड में, आई बात समझ में। थर्ड मेथड आपका कौन सा है, प्रोपोर्शनेट मेथड, इसी को क्या बोलते हैं परसेंटेज, ये बिल्कुल डायरेक्ट जो आप पढ़ते हो, ये क्या बनाता है रिलेशनशिप किसमें, बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन, इसी तरीके से लिखते हो आप, यही बात है ना, ठीक है। सबसे आसान मेथड में से एक है जो आपने बार बार पढ़ा है, और इसके आगे निशान कौन सा लगता है, माइनस का, और लगने का और पॉजिटिव होने का सब क्लियर है आपको। फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस है ड्यू टू लो ऑफ डिमांड, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, तो ये आप लिखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस, जो कि कॉमन है, कॉमन इसलिए तो लिखा है ना कि कॉमन ऊपर भी आ जाए नीचे भी आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, या तो ये बढ़ेगा ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, करो क्वेश्चन इसका। आपके पास क्वांटिटी दे रखी है क्या वन और क्या टू, दो बात करेंगे, क्या वन दे रखी है आपको, कुछ भी हो सकता है हमें तो कुछ भी आ जाए, क्या वन आपको दे रखी है 20, क्या टू दे रखी है आपको
40 प्राइसेस P1 और P2 ये मैंने दे दिए। आपने मेरे को बताना कि ये चीज़ पॉसिबल है यानी, पहले तो ये बताना। प्राइस 1 आपको दे दिया मैंने 10 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 20। इज इट नॉट पॉसिबल ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप होगा, ठीक बात है ये? ठीक है, वेरी गुड। तो फिर क्या लिखे हम इसको, हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 एंड आपने अब कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। करो कैलकुलेट, शाबाश। देखो भाई, इसका जो आंसर आएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अभी हमारे पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले चेंज कितना आया, देखो चेंज आपके पास जो आया वो क्वांटिटी में इतना आया कि 20 से 40 हो गई है। तो चेंज कितना आया, 20 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसका परसेंटेज चेंज निकालो, कितना परसेंटेज में कितना चेंज आया। देखो 20 का चेंज आया और कितने से चेंज आया, हमेशा नीचे बेस आता है, तो बेस था आपका 20, 20 से 20 पर 40 पे गए तो 20, परसेंटेज निकालने के लिए तो ये क्रॉस हो गया, तो कितना आया 100% चेंज आया। कितना है आपका 100% आपका चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, वो भी इंक्रीज होके आया है, ये है ना। दूसरा, पहले प्राइसेस थे 10 और अब कितनी हो गए 8, यानी चेंज कितने का आया 2 का, और आपके पास कहाँ से चेंज आया 10 से, नीचे आ गया 10 और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आया 20%। दोनों चीज आ गई ज्योति, यहाँ पर लिखा आपने 20, ये तो पॉजिटिव चेंज आया था, ये आपका नेगेटिव, और यहाँ पर माइनस का निशान होता है तो माइनस माइनस क्या हो गए, और ये कितना आया आपका 5, प्योर नंबर में आया आपका 5। आया हुआ समझ में आपको, ये प्लस क्यों, ये भी समझ में आ गया आपके पास। अगर इसका इनवर्स करते तो भी आता। अच्छा एक चीज़ और देखो, आपको एक चीज है, क्या कह रहे हो, कौन सा वाला डायरेक्ट, बस वो ये ठीक है, वो तो उसका दूसरा मेथड है, वो इसका मेथड नहीं है, वो आर्क मेथड का है, P1+P। आएगा तो इससे निकालो आप, सब चीज़ें तो यही है। हाँ क्या कह रहे हो, वो कर लो, वो UCC से बनाई, जो बन के आए वहीं से बन के आया है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, देखो एक और चीज़ कैलकुलेट करके देखो, अब आपने ये करो, ये जो क्या हुआ है ना, इसको क्या 2 मान लो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो और इसको 1 मानो, करना एक बार कैलकुलेट, उल्टा करके देखो एक बार।